मुझे फोन है चाहिए, ले लो बेटा ले लो, मुझे किताब चाहिए, ले लो बेटा ले लो, मुझे किताब चाहिए, ना 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 ना, किताब चाहिए चाहिए तो चाहिए ही चाहिए बाबूजी। अरे तुम क्या करोगी किताब का बिटिया? अरे मैं भी स्कूल पढ़ने के लिए जाऊंगी बाबूजी। स्कूल पढ़ने जाओगी और क्या? और पढ़ लिख कर क्या होगा? पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन होगा, पूरे गांव का नाम रोशन होगा। अच्छा, तो तुम अब ये कहना चाहती हो कि तुम यहाँ घर से निकल के वहाँ स्कूल पढ़ने जाओगी? है जी बाबूजी। अरे सुनती हो, आओ जल्दी घर। कहाँ चली गई? अरे क्या हो गया है? अरे भाग्यवान, तुम्हें कुछ पता भी है ये तुम्हारी लड़की क्या कह रही है? क्या कह रही है? कह रही है कि ये घर से निकल के वहाँ स्कूल पढ़ने जाएगी। अरे तो इसमें कौन सी गलत बात कही? स्कूल ही तो जा रही है पढ़ने, कहीं और तो नहीं जाएगी? पढ़ेगी लिखेगी तो तुम्हारा ही नाम ऊंचा होगा कि फलाने की बिटिया इतनी पढ़ी लिखी समझदार है। अरे हम कह रहे हैं जब दीपक पढ़ने जा रहा है अपना बेटा, तो इसको क्या जरूरत है पढ़ने की? अरे दीपक की तो आप बात ना करो, दीपक तो केवल नाम का दीपक है, कभी जलता वलता नहीं, चौथी में 4 बार ही फेल हो चुका। और दीपक की बात कर रहे, तुम समझती क्यों नहीं हो भाई? एक साथ दो दो बच्चों की पढ़ाई का मतलब है खर्चा। खर्चा कहाँ से लाएंगे हम? कहे कितना खर्चा अभी तक किया? अरे बच्चे को पढ़ा रहे, दीपक को कैसे पढ़ा रहे? हम ही तो दे रहे पैसा। हाँ उस पर लगा रहे जो पढ़ने में इतना बेकार है। अब बिटी इतनी अच्छी पढ़ने में, उस पर भी तो ध्यान दो। और रही खर्चे की बात, तो इतना परेशान ना, इतना नहीं तुम्हारा खर्च होगा। अब तो निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों की जैसे जरूरतें हैं, ड्रेस है, जूते मोजे हैं, इनके लिए 1200 रूपए भी मिलते हैं। अच्छा हाँ, निपुण भारत मिशन लो। और बताओ, अरे सरकार हमारे बच्चों के लिए इतना आगे कर रही है, तो हम लोग भी तो अपने बच्चों को पढ़ाए, उन पर ध्यान दे कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। देखो तुम्हारी ये बात तो हम समझ रहे हैं, पर हमें डर ये भी है कि लड़की है, कहीं कोई दिक्कत समस्या ना हो जाए। कैसी समस्या? लड़की है भैया, काहे घबरा रहे हो ये बताओ पहले। अरे शंभू भाई आप ही समझाओ। ये देखो हमारी औरत मान रही है, इसको बताओ लड़की को पढ़ने भेजो। बात तो सही तो कह रही भाभी। सही कह रही? हाँ। कैसे भैया कैसे, आप ही बताओ मैं। अच्छा ये बताओ बिटिया को काहे नहीं पढ़ाओगे, पहले तुम ये बताओ। अरे हम तो ये डर रहे थे कि लड़की है, कहीं ऊंचनी झोंपड़ी कोई। अरे कुछ नहीं होगा, इस समय हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यरत है भैया।